तो धीरे धीरे चूचू चार्ल्स ट्रेन शहर के सभी लोगों को मारने लगी है गाइस, और आज तो अपने फ्रैंकलिन की भी बारी है। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है गाइस, आइए देखते हैं। आज तो गाइस मैं घर पे पहुंचने में बहुत ही लेट हो गया हूँ, क्या करूँ भाई, मेरा बॉस इतना खड़ूस है ना साला, जो लेट ही छोड़ता है मुझे। लेकिन क्या करे भाई, काम तो करना पड़ता है ना, आपकी पेट का सवाल है। लेकिन एक सेकेंड, ये लेफ्ट में क्या पड़ा है गाइस, रुको मैं आपको दिखाता हूँ। एक सेकेंड, ये क्या है भाई, ये तो एक खिलौना है यार। ऐसा करता हूँ इसके पास में जाके देखता हूँ ये क्या है। मुझे पता है ये खिलौना है, लेकिन इसके पास में देखता हूँ इतनी रात में कैसे पड़ा हुआ है। मुझे तो लग रहा है इस रास्ते से एक छोटा बच्चा जा रहा होगा और उसके हाथ से ये खिलौना गिर गया होगा। यार ये पड़े पड़े खराब हो जाएगा, और मैं सोच रहा हूँ कि इसको अपने घर ले। तो ऑल राइट गाइस, अपने घर चलते हैं, और काफी लेट हो चुका है और मैंने खाना भी नहीं खाया गाइस। अपने घर चलते हैं और खाना वाना बनाते हैं और फिर खाते हैं। तो गाइस मैं सोच रहा हूँ कि किस तरह का खिलौना यार, इसकी बनावट ना एक ट्रेन के जैसी है, लेकिन इसमें ट्रेन के पहिए नहीं लगे हैं गाइस। लेकिन ये किस तरीके की ट्रेन है, ना ही इसमें कोई टायर है। अरे भाई यार, अरे यार गाड़ी की एक्सीडेंट हो गई यार। चलो गाड़ी को कुछ नहीं हुआ, थोड़ी सी खरोच आई है, लेकिन बुगाटी वाले की पूरी कार ही खराब हो गई है। इसीलिए यार जल्दी से अपने घर के अंदर चलते हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि बुगाटी वाला अपने को पकड़ के मारने ना लग जाए गाइस। और यार यहाँ पे भी मैंने अपनी थार को ठोक दी, मैंने अपनी थार को पूरा कबाड़ा कर दिया यार। देख रहे हो चारों गेट खुलने लगे यार, और आगे से इसका जो बोनट है ना वो भी शायद से गिर गया है। और मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ गाइस, और चलते अपने घर के अंदर और सोते हैं। और गाइस चलते हैं, सुबह हो चुकी है और मेरी सारी थकान दूर हो चुकी है गाइस, और चलते अपनी थार में बैठते हैं और जॉब के लिए चलते हैं गाइस। तो भाई अपने थार को टिल्लू मैकेनिक के पास दिखा लूंगा, इसके सारे गेट खुलने लगे गाइस, और ये काफी बेकार हो चुका है, और आगे से भी काफी बेकार हो चुका है। और इसका गेट देखो यार, काफी गंदा हो चुका है, काफी मुझे गंदा लग रहा है, ये खुल रहा है बार बार, और इसे भी मुझे दिखाना। और इसके ड्राइवर सीट वाले भी दरवाजा खुल रहे गाइस काफी बार बार। इसकी किस्मत अच्छी होनी चाहिए, टिल्लू मैकेनिक शॉप पे हो, नहीं तो मुझे पता नहीं कहाँ कहाँ भटकना पड़ेगा गाइस। और ये सिटी के लोग काफी गंदी तरीके से ड्राइविंग कर रहे हैं गाइस, मुझे अपनी कार को बहुत ही अच्छे तरीके से चलाना पड़ेगा यार। और रात को मैंने अपनी थार ठोक दी थी ना गाइस, इसीलिए सारा का सारा काम बिगड़ चुका है। और अपने थार को काफी प्यार से चलाना पड़ेगा, और अपने टिल्लू मैकेनिक दोस्त के पास ले जाना पड़ेगा भाई, तो और ना भाई काफी खर्चा बढ़ जाएगा और नुकसान ही मेरा होगा यार। और वैसे भाई यहाँ पे मुझे कोई दिख क्यों नहीं रहा है, और वैसे भी भाई अपने टिल्लू मैकेनिक की दुकान काफी आगे है, तो मुझे यहाँ पे कोई किसी से लेना देना नहीं है। और जैसे ही भाई मैं थोड़ा सा और आगे आता हूँ, और मुझे देखने को क्या मिलता, भाई साहब पूरे सारे के सारे लोग यहाँ से भाग रहे होते हैं, और उनके पीछे एक अजीब सी ट्रेन आ रही है गाइस। और ये क्या हुआ गाइस, उनके सामने एक लड़का गिर चुका है। ओ भाई ये तो उसे खा गई यार, मेरा बच्चा मुझे वापस लौटा दो। अरे भाई यहाँ से भागो यार, ये तो काफी अजीब सा जानवर है यार। लेकिन ये जानवर तो अपने बच्चे का बोल रही है, रात में मैंने जो टॉय उठाया था गाइस, उसका शकल और इसका शकल सेम मैच खा रहा है यार। अरे लेकिन यार मैंने खिलौना समझ के इसके बच्चे को अपने घर लेकर आया हूँ यार। अरे भाई ओ सीट, तो भाई मुझे जल्दी से अपने घर के तरफ जाना पड़ेगा, और उस टॉय को इसको वापस देना पड़ेगा। भाई ये टॉय नहीं, इसका बच्चा है, अगर मैंने थोड़ा सा देर और की ना तो मेरी भी हालत उस लड़के जैसी होगी। भाई यार ये तो काफी गलत सीन हो रहा है यार। चलो चलो वेट भाई, अरे रुक जा भाई। चलो अपने घर पे चलते भाई, काफी गलत सीन हो रहा है। अरे भाई पूरी गाड़ी खत्म हो गई यार, दोनों गेट चले गए भाई, आगे के ग्लास चले गए ना, तो पूरा लक ही खराब चल रहा है यार। तो भाई ये सब तो मैं ठीक करा लूंगा, सबसे पहले अपने घर में चलते हैं और उस मॉन्स्टर के बच्चे को अपने कार में बैठा के उसके पास दे के चले आते हैं गाइस। तो गाइस मैं अपनी कार पार्क कर देता हूँ, गेट तो है नहीं, पता नहीं ये क्या लगा रहा है। तो भाई जल्दी से अपने घर के अंदर चलते हैं, काफी ज्यादा टेंशन है आज। ऑल राइट, कहाँ पर है वो? अबे वेट, अरे कहाँ पर है, मैंने तो यहीं पे रखा था यार। अरे मैंने रात में यहीं पे रखा था यार। बे और टो भाई, वो टॉय कहाँ पे चला गया यार? भाई ये सचमुच में बच्चा था यार, मैं इसे टॉय समझ रहा था, अब मैं इसे कहाँ ढूंढूं यार, मुझे कोई आइडिया नहीं है। और भाई मैं इसे कहाँ ढूंढूं यार, मेरे घर में तो कैमरा भी नहीं है, मुझे कोई आइडिया भी नहीं है। गया बेटा फ्रैंकलिन, तू तो गया भाई। भाई मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा यार, कोई आइडिया नहीं आ रहा यार, क्या करूं। एक सेकेंड, याद आया गाइस, अपने शहर में तो डॉक्टर स्ट्रेंज आए हुए हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज के पास समय को रोकने वाला एक जादू है, वही बता सकते हैं कि ये वाला टॉय है ना वो कहाँ पे गया है, ये छोटा बच्चा था ना जो, वो किधर गया है। लगता है कि वो डॉक्टर स्ट्रेंज सीधा मुझे उसी के पास भेज दें।
लोग स्ट्रेंज के पास चलते हैं और होपफुली गाइज हमें वो ही मिल जाएं जो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और वो अपना काम बिना किसी उलझन के ही कर। तो ठीक है यार, तो जल्दी से चलते हैं, और यार मैं किसी में ठोक दूँ अपनी कार, वरना फिर पता चले कि पूरी गाड़ी ही ख़त्म हो जाए और चलने लायक ही ना बन। तो गाइज हम लोग आ चुके हैं डॉक्टर स्ट्रेंज के लोकेशन पे, और ये जो इसी के ऊपर डॉक्टर स्ट्रेंज बैठते हैं यार। तो चलो डॉक्टर स्ट्रेंज से बात करते हैं। हेलो डॉक्टर, प्लीज़ हेल्प मी। हेलो डॉक्टर स्ट्रेंज, अजीब सा मॉन्स्टर है जो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, प्लीज़ मुझे बचा लीजिए। वो एक बच्चा है, गलती से मैंने उसे खिलौना समझ के घर लेकर आ गया था। ठीक है, बहुत आसान काम है। मैं यहाँ से ना कूदना पड़ेगा और फिर एक पोर्टल खोल दूंगा मैं। जैसे तुम पोर्टल खुलेगा उसमें एक मिशन आएगा और तुम मिशन पे पहुँच जाओगे, और जैसे मिशन पूरा करोगे तुम्हें एक और टॉय मिल जाएगा। मिस्टर स्ट्रेंज मुझे यहाँ से कूदना पड़ेगा? हाँ ठीक है, आप टाइम से वो पोर्टल खोल देना। तो चलो गाइज, मुझे अपनी जान बचाने के लिए अपनी जान का ही कुर्बानी देना पड़ेगा। तो यहाँ से गाइज इतनी हाइट से मुझे नीचे की तरफ कूदना है और फिर डॉक्टर स्ट्रेंज पोर्टल खोल देंगे। चलो गाइज यहाँ से कूदते हैं, 1 2 3, देखते हैं भाई क्या होता है। भाई पोर्टल नहीं खुल रहा भाई, खुल जा। ओ भाई, तो भाई जैसे ही पोर्टल खुला ना, ये देखो मैं कहाँ अजीब सी जगह आ चुका हूँ यार, मेरे बाल भी आ चुके, यानी मैं कौन सी दुनिया में आ चुका हूँ। शायद से जो वो टॉय था ना, वो इसी दुनिया में ही होगा यार, और शायद से मुझे इसी बाइक से मिशन पूरा करना है। और देख रहे हो गाइस, मेरे बाल आ चुके हैं, काफी अच्छा लग रहा है भाई देखो। और मुझे ना गाइस ये रेड जो लोकेशन है उसे मुझे लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर मुझसे कुछ गलती होती तो मैं दोबारा से रिवाइंड कर सकता हूँ। भाई ये थोड़ा मुश्किल तो लग रहा है, लेकिन ये काफी आसानी से मैं पार कर लूंगा। तो भाई अपने फ्रैंकलिन के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, ये जरा सी टाइम में ही ना सब कुछ अच्छे से काम करता है, पार भी कर दे। तो हमने गाइस पूरी तरीके से ये चैलेंज कर लिया है, देखते हैं आगे क्या आता है। और यहाँ पे गाइज हमको छोटे से रास्ते से ऊपर की तरफ जाना है, थोड़ा मुश्किल है लेकिन हो जाएगा। और भाई इन दोनों पंखों के बीच में हम फंस ना जाऊं तो पता नहीं मैं किस और चैलेंज में चला जाऊंगा यार, फिर वो दिक्कत हो जाएगी। ऑल राइट गाइज, ओ फंस गई। ओ भाई बाहर निकल गई। ओ भाई साहब, अब मुझे इस बिल्डिंग से ऊपर की तरफ जाना है, अभी मुझे रास्ता नहीं दिख रहा है। ओ भाई आगे जंपिंग है, अब रास्ता दिखा भाई। अभी मुझे रास्ता नहीं दिख रहा है और आगे जंपिंग है भाई। ओ भाई अब मुझे रास्ता दिख रहा है, और काफ़ी मुझे आराम से जाना पड़ेगा, और मुझे काफ़ी आराम से जाना पड़ेगा गाइस, कहीं मैं गिर ना जाऊँ। अगर मैं गिर गया ना तो जहाँ से वो रेड लोकेशन को ऑब्जर्व किया था वहीं से मुझे फिर से शुरू करना पड़ेगा। जल्दी से इस मिशन को कंप्लीट करते हैं। तो भाई हमने लगभग इस मिशन को कंप्लीट कर दिया है, अब हमें छोटे काम करना है गाइस। इस रास्ते से हमें सीधे जाना है, यहाँ पे टर्न मारेगा और मुझे टर्न मारना है। और हाँ गाइस, सामने फिनिश की लाइन आ चुकी है, पहले तो रेड ले लेता हूँ। ऑल राइट गाइज, यहाँ पे हमने मिशन को कंप्लीट कर दिया है, अब आगे देखते हैं भाई क्या होने वाला है। एक मिनट भाई, वो पोर्टल बंद हो चुका है और अचानक से हम अपनी फिर से उसी दुनिया में आ चुके हैं, और मेरी कार तो तहस नहस हो गई थी ना भाई, ये न्यू कार कहाँ से आ गई। लगता है डॉक्टर स्ट्रेंज ने इस कार को भी ठीक कर दिया और उस टॉय को भी इसी कार में रख दिया भाई। क्या हमें उसी लोकेशन पे फिर से जाना है जहाँ पे हमने उस आखिरी बार उस मॉन्स्टर को देखा था? फिर हम लोग उसके बच्चे को सौंप देंगे भाई, अपने को जिंदगी में झमेला नहीं चाहिए यार, और फिर हम लोग जिंदगी में ऐसा कोई काम नहीं करेंगे भाई। और फिर मुझे पहले अपनी कार आराम से चलाना पड़ेगा, कहीं ये फिर से टूट ना जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए गाइस जो कार हमने फ्री में सही कराई थी उसे पैसे देकर सही करवाने पड़े। तो सामने खड़ी ये मॉन्स्टर भाई, और जल्दी से इसके बच्चे को उसको लौटा देते हैं। भाई साहब वो तो मेरे सामने ही आ रही है यार। अरे भाई यार, ये मुझे कहीं मार ना दे, मुझे काफ़ी ध्यान से काम करना पड़ेगा। क्या फ्रैंकलिन भाई उल्टे पुल्टे काम करते हो। तो जल्दी से इसके बच्चे को इसके पास छोड़ देता हूँ। ओके भाई, ये यहाँ पे रुक चुका है, और मैं भी यहाँ पे स्टैचू बन जाता हूँ, नहीं तो इसको लगेगा कि मैं काफ़ी हिलडुल रहा हूँ तो उसके ऊपर अटैक करूँगा। चुपचाप से इसका बच्चा नीचे रख देता हूँ, और ये फिर अपने बच्चे को लेकर चली जाएगी। तो चलो गाइज, ये अपने बच्चे को अपने ऊपर ही बैठा के ले जा रही है। मुझे तो काफ़ी डर लग रहा था कि मुझे कहीं मारे ना, तो अच्छी बात है मुझे मारी नहीं। तो भाई ये वैसे कहाँ जा रही है? ओ भाई ये तो हवा में उड़ रही है। ओ भाई ये तो चली गई यार, तो ये तो अपने बच्चों को हवा में उड़ा के ले गई भाई, ये तो बहुत यूनिक सीन। तो बस इतनी सी वीडियो थी गाइज, अगर आपको इस वीडियो
पसंद आई तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना, और हाँ बेल आइकन को ऑल पे सेट करके दबा देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।